Hello students, you are welcome to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss normal forms. So here in this video lecture, first we will discuss what is 1NF and 2NF, and we will solve some practice questions on 1NF and 2NF. So here we go to start our topic. So before understanding normal forms, we will discuss what is normalization or normalization kyun karte hain. So normalization kya hai students? It is a process of organizing the data इन द डेटाबेस डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक प्रोसेस है. अब ऑर्गेनाइज हमें करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे रिलेशन में, रिलेशन को हम टेबल बोलते हैं, सो कभी कभी हमारे रिलेशन में रिडंडेंसी प्रेजेंट होती है. सो नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्रॉम द रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस. पर्टिकुलर रिलेशन से आप रिडंडेंसी रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं. ऑल्सो इट इज यूज टू एलिमिनेट द अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीशन एनोमली. इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीशन एनोमली हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था. व्हाट आर दीज? सो ये सारी एनोमली रिमूव करता है, या फिर हम कहते हैं कि ये सारी एनोमली, इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीशन एनोमली रिमूव करने का काम या एलिमिनेट करने का काम नॉर्मलाइजेशन का होता है. सो नॉर्मलाइजेशन हम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म्स यूज की जाती हैं टू रिड्यूस रिडंडेंसी फ्रॉम द डेटाबेस टेबल. सो इट इज ऑफ फोर टाइप्स, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर 1NF एंड 2NF. So it is of four types. First of all, first one is 1NF, that is also called first normal form. Second is second normal form, 2NF. Then third normal form, 3NF and BCNF, that is stands for first called normal form. So now we are going to discuss what is 1NF. So if 1NF कहती है, first normal form कहती है कि if a relation contains composite or multi-valued attributes, it violates first normal form of a relation. इट मीन्स अगर आपके टेबल में किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फोन नंबर की, फोन नंबर में आप किसी पर्सन में एक पर्सन के दो कॉन्टैक्ट नंबर है, तो हम कहते हैं कि 1NF की जो कंडीशन है वो वायलेट हो रही है, राइट? सो इफ अ रिलेशन कंटेन कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इट वायलेट्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ रिलेशन. और वी कैन से अ रिलेशन विल बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF में होगा इफ इट डज नॉट कंटेन एनी कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, राइट? सो वी कैन ऑल्सो से दैट अ रिलेशन इज इन 1NF इफ एवरी एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन इज सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, और वी कैन से एटोमिक एट्रीब्यूट हो, एटोमिक वैल्यू हो हर सेल में. तो 1NF कहता है कि हर एक सेल में आपकी एक एंट्री होनी चाहिए. सो इफ वी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, हियर दिस एग्जाम्पल इज गिवन. सो यहाँ आपको दिया है क्योंकि टेबल आपकी बनी हुई है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कोर्स वाला एट्रीब्यूट है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. यहाँ मोहित पर्सन दो कोर्स लिए हुए हैं, सी एन और ओ एस, एंड इन द सिमिलर वे दिस पर्सन विद रोल नंबर 102 हैविंग टू कोर्सेज, जी वी एन एस एंड सी ए. सो इट इज़ वायलेटिंग द कंडीशन ऑफ 1NF. सो वॉट वी विल डू टू कन्वर्ट इट इन टू 1NF, वी हैव मेक एडिशनल रूल, राइट? सो फॉर कन्वर्टिंग इट इन टू 1NF, वॉट वी विल डू, first of all 101 Mohit and we will assign the course CL, then 101 Mohit and we will assign the course OS. So we will make two rows from these, this value, right? इस value से आपकी दो rows बन जाएगी. The similar way, ये first is 102 Sonia, course CDMS के साथ और CA के साथ हमने यहाँ पर assign कर दिया. So now this relation will be in 1NF, right? This table will be in 1NF, जबकि आप previously आपकी 1NF में नहीं थी. तो 1NF कहता है कि आपके जो एट्रीब्यूट है किसी भी रिलेशन में, दैट शुड बी सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, राइट? सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आपका नहीं होना चाहिए मैंने देखिए. सो आई होप दैट इज क्लियर फॉर द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. सो वट इज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म? फॉर एनी रिलेशन टू बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल 1NF शुड बी होल्ड, राइट? सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर कोई भी नॉर्मल फॉर्म 2NF में होनी है तो उसको पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, राइट? टू बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अ रिलेशन मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड रिलेशन मस्ट नॉट कंटेन पार्शियल डिपेंडेंसी. नाउ वी विल डिस्कस द टर्म पार्शियल डिपेंडेंसी. ये कह रहा है कि पार्शियल डिपेंडेंसी रिलेशन में नहीं होनी चाहिए, राइट? तो वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन व्हाट इज 2NF. So a relation is in 2NF if it has no partial dependency. It means कोई partial dependency नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? Partial dependency का मतलब हुआ
कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब स्टूडेंट्स आप समझोगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो वो एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं, और जो एट्रीब्यूट आपके कैंडिडेट की का पार्ट है उन्हें हम प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, राइट। सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की। सो नो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की ऑफ द टेबल, राइट। इट मीन्स इसे अगर हम डिस्कस करें तो अल्फा डिटरमाइंस बीटा, इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी किस केस में, इफ दिस एट्रीब्यूट इज प्राइम, राइट, एंड दिस एट्रीब्यूट इज नॉन प्राइम, राइट, दिस एट्रीब्यूट इज नॉन प्राइम। इट मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब ये जो अल्फा है ये आपका कैंडिडेट की का पार्ट है, एंड दिस बीटा इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की, राइट। सो इस केस में पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए 2NF के लिए। सो इस केस में क्या है कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ द कैंडिडेट की ऑफ द टेबल। इट मीन्स कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, राइट, प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए 2NF के लिए। सो व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी? पार्शियल डिपेंडेंसी सेज दैट if the proper subset of candidate key determines non-prime attribute, it is called partial dependency, right? Partial dependency कहलाता है। अब 2NF के लिए condition क्या होनी चाहिए? पहले तो वो 1NF में होना चाहिए, right? First condition is कि relation should be in 1NF, it means सारे values atomic होनी चाहिए, single valued attribute होना चाहिए, and second condition is कि no partial dependency, right? No partial dependency आपकी नहीं होनी चाहिए, right? Is that clear? So, ये दो कंडीशन अगर आपकी एग्जिस्ट कर रही है कि तो रिलेशन 1NF में है और नो पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो उस केस में रिलेशन 2NF में होगा। सो नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेट्स से दिस इज अ रिलेशन R ABCD एंड दीज टू फंक्शनल डिपेंडेंसी आर गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल BC डिटरमाइंस AC एंड BC डिटरमाइंस D। नाउ वी विल चेक वेदर दिस रिलेशन इज इन 2NF और नॉट। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द कैंडिडेट की, राइट। सो हम ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी है। सो पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करने के लिए पहले हम इसकी कैंडिडेट की फाइंड आउट कर लें। सो कैंडिडेट की हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो वी हैव रिटन ए बी सी डी, राइट। अब आप डिपेंडेंसी देखेंगे कि डिपेंडेंसी कौन कौन सी है। ए बी डिटरमाइंस यहाँ पर सी। सो वी विल ड्रॉ द लाइन फ्रॉम ए बी टू दिस एट्रीब्यूट सी। नाउ वी विल सी दैट सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी है बी सी डिटरमाइंस डी। सो बी एंड सी से आप डी के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप देखेंगे ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिसमें इनकमिंग एज नहीं है। सो ए एंड बी आर दोज एट्रीब्यूट जिसमें कि आपकी इनकमिंग एज नहीं है, केवल आउटगोइंग है। सो यू विल कंसीडर ए बी एंड यू विल सी दैट क्या ए बी कैंडिडेट की है। सो यू विल कैलकुलेट ए बी प्लस ए बी का क्लोजर। ए बी का क्लोजर हम फाइंड आउट करें तो ए बी तो इस रिलेशन में होगा ही होगा, एंड ए बी के अलावा ए बी डिटरमाइंस सी, सी भी आ जाएगा, एंड बी सी डिटरमाइंस डी, सो डी भी आ जाएगा। अब ये जो है हमारे रिलेशन के इक्वल है, सो इट इज द कैंडिडेट की, राइट। ए बी इज द कैंडिडेट की। सो इस केस में ए बी हमारी कैंडिडेट की है। अब हम देखते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए अल्फा डिटरमाइंस बीटा, राइट। अगर इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी है और हम तो हमें चेक करना है कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं है, राइट। हमें चेक करना है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी किस केस में होती है, इफ दिस पार्ट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की, और वी कैन से इट इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स कि इट इज द सबसेट ऑफ, या इसके जो ये है ये प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट। प्राइम एट्रीब्यूट मतलब कैंडिडेट की का पार्ट है, and this should be non-prime, right? If any prime attribute functionally determines the non-prime attribute, then partial dependency holds. ठीक, तो हमें ये चेक करना है कि क्या, first of all हम इसे चेक करेंगे ए बी डिटरमाइंस सी, क्या ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। सो फॉर चेकिंग वी विल सी दैट कैंडिडेट की इज दिस, राइट। तो अल्फा डिटरमाइंस बीटा में क्या ये अल्फा पार्ट यानी कि जो ए बी पार्ट है, क्या ये आपका इसका प्रॉपर सब्सेट है। सो इसलिए इसका प्रॉपर सब्सेट नहीं है। सो हेयर नो पार्शियल डिपेंडेंसी, राइट।
यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है. यू कैन से फर्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी में नो पार्शियल डिपेंडेंसी होल्ड्स. देन वी विल चेक द नेक्स्ट वन, राइट. अल्फा डिटरमाइंस बीटा. अल्फा डिटरमाइंस बीटा में क्या अल्फा आपका कैंडिडेट की का पार्ट है? नहीं है. सो इट नो पार्शियल डिपेंडेंसी हेयर. इस केस में भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है. सो दोनों ही फंक्शनल डिपेंडेंसी में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है. सो वी कैन से दैट दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी, या वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज इन 2NF, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है. आई होप ये आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स. सो वी सॉ हियर इन द अबव रिलेशन ए बी इज अ कैंडिडेट की एंड देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी. कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है और ना ही इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी में पार्शियल डिपेंडेंसी है. पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है इट मीन्स एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी डज नॉट डिटरमाइन एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, राइट. यानी कि कैंडिडेट की का कोई भी जो उसका सबसेट है वो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर रहा है. इट मीन्स कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है. सो रिलेशन इज इन 2NF. ये रिलेशन आपका 2NF में होगा. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑन 2NF. तो स्टूडेंट्स 2NF पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. कंसीडर दिस क्वेश्चन. यू आर गिवन अ रिलेशन. एक रिलेशन दिया है विद द फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड आपसे कहा है चेक वेदर इट इज इन 2NF और नॉट. पहले तो चेक करना है कि ये 2NF में है या नहीं है. एंड इफ नॉट देन कन्वर्ट इट टू 2NF. तो आपको उसे 2NF में कन्वर्ट करना है, राइट. सो सिंस वी ऑलरेडी नो दैट सॉल्यूशन में हमें पता है कि 2NF चेक करने के लिए हमें पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करना है कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी में पार्शियल डिपेंडेंसी है. इफ पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट देन यू विल से दैट इट इज नॉट इन 2NF, राइट. इज दैट क्लियर? सो पार्शियल डिपेंडेंसी जैसे हमने अभी चेक किया था, इन द सिमिलर वे विल चेक हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉन द रिलेशन ए बी सी डी ई. देन इस रिलेशन में आप देख रहे हैं कि ए बी डिटरमाइंस सी. तो आपने ए बी से सी की तरफ एरो ड्रॉ किया बिकॉज ए बी determines C. Now, the second dependency, functional dependency is D determines E. So, you have drawn D determines E. ये आपने line draw की. अब आप देखिए किस पर incoming edge नहीं है. So, the attribute A इस पर incoming edge नहीं है. We have circled it. B पर incoming edge नहीं है and T पर incoming edge नहीं है. तो candidate की जो आपकी form होगी वो form होगी ABD. हम candidate की निकालना सीख चुके हैं. कैंडिडेट की ए बी डी क्योंकि ए बी डी उसमें ऑलरेडी होगा. ए बी डिटरमाइंस सी, डी डिटरमाइंस ई. सो ए बी सी डी ई, इट मींस ये रिलेशन के इक्विवेलेंट मिल रहा है. सो इस केस में आपकी कैंडिडेट की हो गई ए ए बी डी. अब आप कैंडिडेट की में आप चेक कीजिए. आप यहाँ फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करेंगे, दैट इज ए बी डिटरमाइंस सी. क्वेश्चन में गिवन है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको. सो इफ प्रॉपर सबसेट, हम कैसे चेक करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी कब होगी? If proper subset of candidate key gives any non-prime attribute, then there is partial dependency. तो हमें पता है candidate key क्या है. Candidate key है आपकी A, B and D, right? This is candidate key. अब अगर हम check करें कि left hand side जो है हमारा ये वाला proper subset of candidate key है, right? क्योंकि candidate key है A, B, D और left hand side हमारी A, B है. So it is a proper subset of candidate key and C is non-prime attribute. Non-prime क्यों? क्योंकि वो candidate key का part नहीं है. C क्या candidate key का part है? Candidate key में exist कर रहा है? नहीं. So it is non-prime. Hence we can say that partial dependency holds here, right? This is partial dependency. Now we will check the next one. And next one is D determines E. D determines E की बात करें तो D यहाँ पर क्या है? D is a proper subset of candidate key. Right, D proper subset of candidate ka and E is non-prime attribute. So here also partial dependency holds. Partial dependency hai, dono hi isme, to hum kahenge ki since partial dependency holds, so it is not in 2NF. So ye relation aapka 2NF mein nahi hai. Ab hume kya karna hai students, hume ise 2NF mein convert karna hoga. So for converting it, what we will do? For converting it into 2NF, we will have to decompose the relation. So, आपको रिलेशन में ए बी सी डी ई एट्रीब्यूट दिया था, तो आप डिकम्पोज किसके अकॉर्डिंग करोगे? आर को, जो आपका आर रिलेशन है उसको आप आर वन में डिकम्पोज करोगे. एंड आर वन में जो एट्रीब्यूट चाहिए वो फर्स्ट पार्शियल डिपेंडेंसी के आ जाएंगे, दैट इज ए बी सी. सो आर वन में आपका आ जाएगा ए बी सी. देन आर टू यू विल डिकम्पोज द रिलेशन इन आर टू. एंड आर टू में आपकी सेकेंड पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाएगी, दैट मीन्स डी एंड ई. सो आर टू में आपका डी एंड ई आएगा.
और एक आपका रिलेशन डिकम्पोज होगा आपकी कैंडिडेट की में. सो देर मस्ट बी अ डिफरेंट टेबल फॉर द कैंडिडेट की. सो एक आपका R3 होगा और R3 में पता है कैंडिडेट की हमने क्या फाइंड आउट की थी, कैंडिडेट की थी हमारी ABD. सो ये रिलेशन R आपका तीन रिलेशन में डिकम्पोज हो जाएगा, R1, R2 एंड R3. एंड नाउ दिस रिलेशन, ये तीन रिलेशन अभी कंबाइन होकर ये आपके रिलेशन 2NF में होंगे, राइट. सो किसी भी पर्टिकुलर टेबल को हम डिकम्पोज कर सकते हैं एंड वी कैन से दैट नाउ दिस विल बी इन 2NF. Because no partial dependency will hold in it, right? I hope that is clear to you. So, make a core example le lete hain to make it more clear. So, now second example is, let's say this is a question and in this you are given with three functional dependencies, that is A determines B, B determines E, and C determines D. So, now you will apply the same procedure on it. So first of all, you will find out the candidate key in the solution. So candidate key find out करने के लिए first of all आपको dependency दी है A determines B. You will draw an arrow from A to B. Then you are given B determines E. You will draw an arrow from B to E. And C determines E. Then you will draw an arrow from C to D. Now you will check for the those attributes जिसमें कि आपका incoming edge नहीं है. So A and सी आर दोज एट्रीब्यूट्स जिस पर कि इनकमिंग एज नहीं है, सिर्फ आउटगोइंग है. सो ए सी का हमने क्लोजर निकाला, ए सी का क्लोजर आपको मिला ए बी सी टी ई. सो इन दिस वे कैंडिडेट की हमारी हो गई ए सी, राइट. दिस इज कैंडिडेट की. हम कैंडिडेट की पहले भी निकाला सीख चुके हैं और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था. नाउ वी विल चेक फॉर पार्शियल डिपेंडेंसी, राइट. सो वी विल चेक फॉर पार्शियल डिपेंडेंसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक ए डिटरमाइंस बी. इन दिस ए डिटरमाइंस बी, A is the proper subset of candidate key, right? A को हम कह सकते हैं proper subset of candidate key, क्योंकि candidate key हमारी AC है, तो A AC का proper subset है. And B is non-prime, because AC में B नहीं है, right? Non-prime कौन से होते हैं, जिसमें जो कि candidate key का part नहीं है. So this is non-prime. So if any proper subset of candidate key functionally determines non-prime attribute, then in that case partial dependency holds. So partial dependency होगी यहाँ पर. Now if we check next one. So for checking the next one is B determines E. B is not the part of, not the proper subset of candidate key, right? क्योंकि candidate key में आपका A and C है और B आपका candidate key का part नहीं है and E is non-prime attribute. तो यहाँ पर ये condition hold नहीं हो रही. So not partial, ये partial dependency यहाँ पर नहीं है. Next C determines D को हम check करें. So C determines E में हम check अगर करें, so C is a part, proper subset of candidate key. Right, and this is non-prime, क्योंकि candidate key का part नहीं है, so partial dependency है. So हम यहाँ देख रहे हैं कि इन दो में हमारा partial dependency hold कर रही है and जो बीच वाला है यहाँ पर partial dependency नहीं है, right? So इतना तो हमें clear है क्योंकि यहाँ पर partial dependency exist कर रही है, तो ये relation अभी हमारा not, this is not in 2NF, right? 2NF में नहीं है क्योंकि यहाँ पर partial dependency hold कर रही है. So for converting it into 2NF, what we will do, we will decompose the relation. So we will decompose in this way, right? First of all, R को आप जो partial dependency है, first of all partial dependency है A determines B. तो आपका एक relation बनेगा R1, उसमें A और B आ जाएगा. But हम देखते हैं कि B determines E, this is not partial, right? तो B determines E, since हम यहाँ पर A और B already है, तो हम E, A, B, E यहाँ ले सकते हैं क्योंकि B determines E, right? So A, B, E R1 में आ जाएगा. Next partial dependency जो आपकी है वो है C determines D. सो R2 में आपका आ जाएगा C determines E. एंड यहाँ पर हम एक और रिलेशन बनाते हैं, एक और रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं जो कि आपकी कैंडिडेट की होती है. सो एक टेबल और बनती है कैंडिडेट की होती है R3, दैट इज आर कैंडिडेट की है AC. सो रिलेशन आपका तीन पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, R1, R2 एंड R3 रिलेशन में, राइट. नाउ इट विल बी इन 2NF. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज 1NF एंड 2NF एंड व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस 3NF एंड DCNF.